स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए मक्षोदरी पार्क में बने तालाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार मछलियां मर रही हैं। इस समय बड़ी संख्या में मछलियां तालाब में मरकर उतरा गई हैं, जिससे उनमें बदबू हो रही है। इसी पार्क में मौजूद CRPF 95 बटालियन की छावनी के अधिकारियों को संबंधितों को सूचित तो किया गया, पर किसी भी अधिकारी ने यहां आने की भी जहमत नहीं की। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने ड्राइवर को भेजकर दवा का छिड़काव करवाया, फिर भी मछलियां लगातार मर रही हैं। तालाब में मरी मछलियों की बदबू के कारण जवानों का जीना दुश्वार हो गया है। तालाब में मछलियों के मरने की सूचना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 95 वाहिनी द्वारा, क्षेत्रीय जनता द्वारा, संबंधित अधिकारियों से लेकर नगर आयुक्त तक को दी जा चुकी है। सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लगातार मक्षोदरी पार्क के तालाब से मछलियों के मरने की संख्या बढ़ रही है। वहीं मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारी ने भी कोई बात करने से इनकार कर दिया। रोज मछलियों को चारा खिलाने आने वाले गाय घाट के रहने वाले राबिन ने बताया कि वो चारा खिलाने आते हैं। रोजाना इस तालाब में गंदगी की वजह से अक्सर मछलियां मरती हैं, जिसे नगर निगम साफ करवाता है, पर इधर दो दिन से हजारों की संख्या में मछलियां मर चुकी हैं। इसका कारण तालाब में ऑक्सीजन की कमी है। एक अन्य स्थानीय प्रतिमा सोनी ने बताया कि यह समस्या 2 महीने से है। हमने पशु चिकित्सालय में शिकायत की तो वहां से कुछ कर्मचारी आए और दवा डाली, पर कोई निदान नहीं हुआ। 2 दिन से कुछ ज्यादा मर रही हैं, उससे पहले भी मरती थी। तो कभी कभी नगर निगम के लोग कंप्लेन किया जाता है तो आके जो है रंग उंग डाल देते हैं, वो दवाई जो है हरा रंग का रंग है, उसके बाद और मरने लगती है, लेकिन फिर अपने आप पानी वानी छोड़ते हैं वो लोग तो सही हो जाती है। अभी क्या लगता है कि कितनी मछलियां हैं? अरे हजारों की तादाद में मरी है, और अगर 2-4 दिन में सफाई नहीं किए तो और मरेगी। पूरा देखिए उधर पानी पड़ी है। सर ये जो चीज़ें आज देख रहे हैं ये 2 महीने से हो रहा है, ठीक है? और 2 महीने से हर कोई यहाँ पे जो लोग आते हैं तालाब में मछली को खाना भी देने, वो भी नगर घोड़ा अस्पताल में जाके कंप्लेन किए कि भाई यहाँ पे मछलियाँ मर रही हैं। तो वहाँ से लोग आए, पाउडर डालें, पानी में क्या पाउडर जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन अगर डाला जा रहा है तो वो निदान होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मछलियाँ मर रही हैं। ये सिलसिला जो आज आप देख रहे हैं ना, ये 2 महीने से है। तो 2 महीने से एक लगातार कितनी तादाद में ही मछलियाँ मरती ही जा रही हैं। महक भी उठता है, महक से ज़्यादा जिंदगी किसी की जा रही है। मछली जो है वो मर रही है। अभी तो कुछ महीने पहले नई नई बच्चियाँ पैदा हुई थी, मछली की छोटी छोटी बच्चियाँ थी, वो भी मर गई। ऐसे ऐसे हाथों से निकाल के लोग फेंक रहे हैं।